सभी लोग को मेरा नमस्कार। और आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ वाटर कलर ब्रशेस के बारे में बताइए। तो आज मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाई है। बहुत सारे लोग ब्रशेस तो यूज़ करते हैं, बट उनका एक्चुअल यूज़ नहीं मालूम होता उनको कि उसको यूज़ कैसे करना है। वाटर कलर में डिफरेंट टाइप के ब्रशेस होते हैं। सो आज मैं आपको बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि एक नहीं अनेक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, ब्रश को यूज़ कैसे करना है, क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं ब्रशेस में भी, उन सब चीज़ के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ ये वीडियो आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक पूरी देखिएगा, बहुत कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं इसमें। सो अभी आप ये ब्रशेस देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे इन ब्रशेस को हम क्या बोलते हैं। हो सकता है कुछ लोग ये ब्रश यूज़ भी कर चुके होंगे, बट उसका एक प्रॉपर यूज़ क्या होगा, उन सब चीज़ के बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। इसको मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि ये कौन सा ब्रश है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं इसमें, कैसे हेयर्स होते हैं इसमें, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट थिंग मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ब्रश ये लिए हुए हैं अपने हाथों में, इनको हम मॉप ब्रश बोलते हैं। इनका आप शेप्स देख ही सकते हो कि किस तरीके से इनके जो ब्रश का जो हेयर है पीछे से थोड़ा सा ठीक है, एंड आगे थोड़ा सा पॉइंटेड क्रिएट होती है। पॉइंटेड क्रीज जब इसको हम ब्रश सॉरी वाटर में ड्रिप कर देंगे तो इसमें पॉइंटेड एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका आप शेप दे सकते हो, जैसे कि ये 4 नंबर का ब्रश है मेरे पास और ये 1 नंबर का है। सो इसको हमें कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग बहुत ब्रशेस देखते हैं ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं कई जगह पे, उसको परचेज भी कर लेते हैं, बट यूज़ कैसे करना है, इसको हैंडल कैसे करना है वाटर कलर एंड वाटर के साथ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें यूज़ कैसे करना है। ठीक है, सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक सिर्फ मैंने आज आप लोग को एक ब्रश के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, इसको कैसे यूज़ करना है इन सब चीज़ के बारे में। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाके मेरे से पूछ सकता है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी भी मेरी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, सो जिन लोगों ने नहीं देखी हुई हैं, और भी डिफरेंट टाइप पेंटिंग्स के बारे में, स्केचिंग के बारे में एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें। सो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं 1 नंबर के ब्रश से स्टार्ट कर रहा हूँ, और बस वही है कि अभी इसका शेप्स आपको कुछ अजीब दिख रहा होगा, बट जब मैं इसको वाटर में डिप करूँगा सो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रॉपर एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है। यानी कि इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आती है, जब मैं इसको कलर के साथ यूज़ करूँगा तो इससे आप थोड़े से फाइन पैचेस दे सकते हो। वो किस तरीके से, वो चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो अभी आप कोई भी कलर ले सकते हो, या अभी आप देख सकते हो किस तरीके से मैं ब्रशेस चला रहा हूँ किस तरीके से। सो अभी एक चीज़ आप देख सकते हो कितनी मैंने बहुत ही पतली सी लाइन क्रिएट करी है। आप ब्रश का साइज देख करके इसका पॉइंटेड इसका देख सकते हो हेयर का, कि मैंने कितनी पतली लाइन क्रिएट की है, एंड सेकेंड लाइन थोड़ी सी थिक। और एक अच्छी क्वालिटी क्या होती है मॉप ब्रश की, कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि आप देर तक पेंटिंग में काम कर सकते हो। नॉर्मल हम सिंथेटिक हेयर्स की बात करें, उसमें एक लिमिट टाइम तक वाटर होता है। और एक अगर मैंने सिंथेटिक हेयर का अगर मैं यूज़ कर रहा होता तो क्या होता कि ब्रश को चलाते जाते उसमें वाटर जल्दी से ड्राई हो जाता, बट ये काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है। सो ये मॉप ब्रश की क्वालिटी होती है कि इससे आप देर तक काम कर सकते हो। और एक अच्छी बात ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हो। आप खुद देख सकते हो इसका यूज़, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ज़्यादा कुछ बताने की। सो आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख सकते हो कितने अच्छे से एक स्मूथली ब्रश चल रहा है किस वे में। सो ये चीज़ है कि आप चाहो तो एक ब्रश से पूरी पेंटिंग कंप्लीट कर सकते हो। सो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक एडवाइस मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, या जो भी बिगनर्स हैं वाटर कलर में, उनके लिए ये है कि ज़रूरी नहीं होता है कि आपको महंगे ब्रशेस परचेज करने से ही पेंटिंग अच्छी बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बिगनर्स हैं वाटर कलर में, आप स्टार्टिंग सिंथेटिक हेयर के ब्रशेस यूज़ करो, एंड धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपने टूल्स को भी इम्प्रूव करना है, अगर ये चीज़ सोच आपके अंदर होगी तो आप अपनी पेंटिंग अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। ज़रूरी नहीं कि हम स्टार्टिंग में ज़्यादा महंगे ब्रशेस ले करके उसमें हम वेस्ट करें चीज़ों को। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, बाकी वो एक आपकी सोच है। सो ये है कि स्टार्टिंग मैंने भी सिंपल ब्रशेस से की थी, धीरे सीखा मैंने, और ऑलरेडी 8 to 10 ईयर्स हो गए मेरे को इस फील्ड में वाटर कलर में। सो ये है कि अपने आप को इम्प्रूव करना होता है, और इम्प्रूवमेंट तो लाइफ टाइम चलती रहती है। ऐसा नहीं कि मैं बेस्ट हूँ या कोई भी बेस्ट है, बस ये कि हर आर्टिस्ट पूरी लाइफ इम्प्रूवमेंट
करता रहता है। सो अभी इसका आप यूज देख सकते हैं ब्रशेस का, मैं दूसरा कोई कलर पिक करता हूं। सो कुछ चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी कि मॉप ब्रश का यूज क्या होता है। अब एक चीज आप लोग क्लियर हो गई होगी कि हम नॉर्मली ब्रश देखते हैं, इसका नेम आपको मालूम चल गया मॉप ब्रश। सो मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं, MOP, अगर आप नेट में सर्च करोगे आपको ये ब्रशेस मिल जाएंगे। सो ये क्वालिटीज होती हैं, और आप खुद ये सोचो अगर एक नंबर ब्रश से मैं इतना थिक पैच लगा रहा हूं, तो अगर मैं 4 नंबर का ब्रश यूज करूंगा तो मैं क्या क्या क्रिएट कर सकता हूं, और कितने से, मतलब कि एक अच्छी बात यह है कि मॉप ब्रश में आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सकते हो। सो एक अच्छी क्वालिटीज है। सो अब मान लो जैसे कि मेरे को इतने एरिया फिल करना है आप नॉर्मली, तो डिफरेंट टाइप एंगल से अगर आप ब्रश चलाते हो तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आप खुद देख सकते हैं, मैं कोई पेंटिंग नहीं बना रहा हूं, बट एक यूज बता रहा हूं ब्रश का कि किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की चीजें क्रिएट कर सकते हो एक ही ब्रश के थ्रू। आप खुद देख सकते हैं कि एक कितनी पतली लाइन देनी है, कितनी थिक लाइन देनी है, आप कैसे भी कितने भी वे में उस चीज को। सो आई होप कुछ चीज तो आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ बस ये है कि एक चीज मैं और ही बताना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपसे ये चीज हैंडल ना हो पाए। सो पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, डायरेक्टली इसको पेंटिंग ना बनाने लगना। सो ये कि पहले आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा रफ में, उसके बाद चीजों को ट्राई करना कि यूज कैसे करते हैं। सो सभी लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। और एक चीज मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूँ कि अभी जैसे मेरे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, सो मैं वाटर कलर की क्लासेस लेता हूँ। सो अगर कोई इंटरेस्टेड हो मेरी क्लास ज्वाइन करने में, सो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख सकता है, मैं नंबर आपको बता देता हूँ, 9559480989। एंड वाटर कलर के अलावा मेरी स्केचिंग की क्लासेस भी चल रही हैं। सो अगर जिसको जो भी इंटरेस्ट है अगर आपका स्केचिंग एंड वाटर कलर, तो आप कोई भी मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा जिससे कि आपको इजीली वो चीज़ दिख जाए। सो अभी जैसे कि नॉर्मली आप कोई ट्रीज है कुछ भी बनाना है, सो सिंपल सा आप एक ही ब्रश के थ्रू कैसे भी क्रिएट कर सकते हो चीज़ें, मतलब इजी है, आप कुछ भी बना सकते हो नॉर्मली पैच। बस देखो एक अच्छे आर्टिस्ट क्वालिटी ये होती है कि वो जब तक काम करता है वो तब तक सीख रहा होता है, ठीक है। अगर एक टाइम हमारे माइंड में ये आ जाए कि यार हमें सब कुछ आ गया है, तो बस वहीं से हमारा काम खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एक चीज आप ध्यान रखो कि आपको लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहना है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी होगी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। सो बस वही चीज मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिस करते रहो, कभी प्रैक्टिस मत छोड़ो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप हो, ठीक है। और वाटर कलर इतना ईजी नहीं होता है, मेहनत लगती है सीखने में, टाइम लगता है, और पूरी लाइफ तो हम लोग कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। सो बस यही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी तो मैंने आज की क्लास में आपको ब्रशेस के बारे में बताया है, बट मैं यही बोलूँगा कि ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होती हैं। सिर्फ अगर मैं स्टार्टिंग में पहली बार लाइफ में वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने मॉप ब्रश का यूज़ किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी पेंटिंग अच्छी बन जाए। पेंटिंग अच्छी तब बनेगी जब आपके अंदर अच्छी भावना होगी अपने अच्छे काम के साथ। मेरा कहने का मतलब कि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, अपने काम को एक इम्पोर्टेंस दोगे, तो ब्रशेस भी आपके काम में आपकी हेल्प करेंगे। सो यही मेरे एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है सभी बिगनर्स जो आर्टिस्ट हैं वाटर कलर में, क्योंकि इस चीज़ को आपको डेवलप खुद करना पड़ेगा। ये कोई भी नहीं बता पाएगा, बस प्रैक्टिस खुद की है, आपको खुद करनी पड़ेगी। इस चीज़ को ना हम कॉपी कर सकते हैं, सो ये है कि इसमें आपको काम करना पड़ेगा। सो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ब्रशेस यूज़ किए हैं। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सो आज की ये वीडियो थी जिसमें मैं चाहता था कि मैं आप लोग कुछ ना कुछ एटलीस्ट कुछ बताऊं, और पेंटिंग्स की वीडियोस तो मैं बनाता ही रहता हूं, बट एटलीस्ट आपको समझ में आए, क्योंकि एक एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज भी आपकी पेंटिंग को अच्छा कर सकती है। यानी कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप पकड़ के चलोगे तो आप बहुत कुछ सीखोगे। सो बस वाटर कलर में आप लोग को मैं ये बोलूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा काम करो, आई होप आप लोग अच्छा काम करके दिखाओगे। और किसी को कुछ पूछना है वो मेरे को कमेंट कर सकता है, या भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे से मैसेज कर सकते हैं, और जिन लोग को ऑनलाइन क्लास के बारे में पता करना है वो लोग भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सभी लोग को जिन लोगों ने ध्यान से वीडियो देखी। और बस मैं चाहता हूँ कि
ठीक है, कभी भी आप परचेस करते हो सो प्लीज यूज करके देखिएगा इन ब्रशेस को। और वैसे तो मेरे फेवरेट ब्रशेस हैं ही, बस बस मैं ही बोलूंगा कि स्टार्टिंग पहले अगर आप बिगनर तो स्टार्टिंग लो ब्रश से करिए, फिर धीरे धीरे करके अपने आप को डेवलप करना है उस चीज में। सो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू।